हाल हो गई। सारी खुशियों का दरबार पतझड़ बना, जब बसंती बहारे अनल हो गई। मोमसी छाती जिनकी ओपाहन बनी, शीत सरिता सलिल की प्रबल धार में, अस्त होकर सूर्योदय, अस्त होकर सूर्योदय हुआ स्नेह का। गीत गाती तितलिया नवल प्यार में ए बाबू, एक गजल का नमूना हो बिरहा जगत में एकदम नई नई तर्ज हो। कि देखते देखते ए कहो सही एक दिन का नाम है। अरे बाबूजी, गौरी गोपाल गरीब किसान के पास राजू राजेश एक चंपा नाम की बेटी थी। कालरा की बीमारी में बिचारा गोपाल दुनिया छोड़ चल बसा। माँ गौरी बच्चों को लेकर अनाथ हो जाती है, यहाँ तक कि इतनी गरीबी की गरीबी सीमा पार कर गई। दिन भर में एक टाइम पेट भर भोजन ना मिले। माँ गौरी अनाथ होकर अपने दोनों बच्चों से कहती है, जबकि राजू को उम्र 6 बरस और राजेश को उम्र 5 बरस। तर्ज हो यह तर्ज विधा में एकदम नहीं है, नहीं हो। तुमने रामायण होला तो बड़ा सुहावन छपरहिया गीत गवाला। अरे ताज के नगरिया उधार, नगरिया उधार, अरे कैल तैयारिया आहे आहे उधार। अरे कवाना जोगिनिया जोगवर मऊले हो राम आए
अगर आप लोग बिहार डाक के यूपी में ही हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाला। एक गीत के यूपी में निर्गुण और सगुण दोनों कहल जाला, यानी एक दुल्हन के दुल्हा गौना करा के लील और बिहने चली है परदेश तो दुल्हनिया कह रहा हो अरे गवना कराए पिया घर बैठौले, गवना कराए पिया घर बैठौले, आय अपने विदेशवा में छावल रे निरमोही दगा दे के अरे भागल रे से कहती है वाह अरे रोई रोई गौरी बोली कि रोई रोई गौरी बोली बेटा से बचनिया ए ललना अरे कैसे कहोई बेहा पार नवरिया बोझल ए मांग माता हम बीतेबा जिंदगनिया अरे छह बरस का राजू पांच बरस का राजेश बच्चे बोले माँ तू रो मत ये तो समय का फेर है समय का तकाजा है माँ इंसान ही के ऊपर दुख और सुख दोनों रहता है अभी तक दुख हो कभी तो इन जिंदगी में सुख आई ने अरे दुखवा के बाद आई कि दुखवा के बाद आई सुख का समय आ ए ललना अरे माई जब सुख आई तो होई का कि बाजी सहनाई घन पार नवरिया बाबूजी माँ का पैर पकड़कर राजू और राजेश चल दिए भिक्षा मांगने के लिए तरजा मिलल नदिया के पार फिल्म से बन के रहे कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन आप लोग तर्ज समझी गल हुई हैं कहे बदे की रेडियो रिकॉर्ड से गली गली में आप लोग सुनत हुई हैं गाना का भाव सुने कि बन के भिखारी चलल दोनों रे वीराना बन के भिखारी चलल दीपक पुत्र है लेकिन मुख का दीपक और ये पुरस्कार दुर्बा बहादुरगंज बहादुरगंज मांगने चल दिए तो दीन दुखी पे डाला करो सब बहनयन से लोर हो के दोनों बचवा जेकरे दरवाजे पर आंसू बहा के कहे कि बाबूजी हम लोग गरीब आदमी है अरे पेट भर खाना तो दीजिए इंसान का कलेजा पिघल जाता था लोग बड़े शौक के साथ दोनों बच्चों को भोजन कराते थे और कुछ पैसा देते थे दिन भर तो दोनों लाल भिक्षा मांगे लेकिन जब शाम का बेला हुआ तो दोनों लाल किए क्या अरे दीन दुखी पे दया करो सब नयन से लोर हो अस्त भान भय पेड़ा के नीच
अरे रात बिताने के लिए दोनों लाल एक पेड़ के नीचे बाबूजी सो जाते हैं। तब तक ऐसी भगवान की लीला कि ठीक आधी रात को जोरों से तूफान बहने लगा, अरे हवा बहने लगी। तो रतिया मेरा ही गैला आधी रात तूफानवा भागो राजेश कौनो और हो। अरे 6 बरस का राजू कहता, भैया राजेश तूफान तो आ गया है, भागो जान बचाओ। उसी तूफान में दोनों भाई दो तरफ भागे। तो बंधु बिछोहा भैले बाबू तोले छनवा, बंधु बिछोहा भैले बाबू तोले छनवा, अरे फुट बुझ पे रहम फुटी गई न करम बाबू हमनी के बनके भिखारी लल्ले दोनों रे बिरनवा। दो भाई दो तरफ हो गए, यहाँ तर यहाँ पछड़ा गई, लेकिन थोड़ा सा पचरो गीत में परिवर्तन हो गल हो। एक परदेसी चिट्ठी लिख के भेजले अपने औरत की, हम फला तारीख के फला बजे आवत है। चिट्ठी दे दहले और चिट्ठी पौले से, तो चिट्ठी के अपने छाती से सकाए के पूरा बिस्तरा उस्तरा बिछा के सुत गई। अपने पति के आज में सुतल सुतल बिहान हो गल, यही बेचारू वादा पहले ना, तो बिहाने नींद खुलल है तो देखे मामिला सब पर चेक हो सेज पर हुए ना नहीं हुए। तो दुल्हनिया कहले थोड़ा सा पचरा गीत में गावेली कि निबिया के मैया आइल आनंद भय बिरा नवा हो कि रोई रोई ना हो कि रोई रोई ना अभिधाना का लिखल निलरवा हो राजू रो रहा था, कहीं से डकैत अपना डकैती डालकर लौट रहे थे, बच्चे को अपने घर उठा ले गए। यहाँ तक प्रेमियों की पाल पोस कर राजू को बड़ा किए, अरे बड़ा होने पर राजू डकैतों का सरदार बन जाता है। इधर राजेश मुन्ना का हालत हो, रोवे ले राजेश उधर मिलले कब पोखरवा हो कि रोई रोई ना। भाई के याद में राजेश आंसू बहा रहा था कि मेरे भैया छोड़कर कहां गए। पोखरे के पास डॉक्टर साहब का मकान, जो डॉक्टर साहब बिना औलाद के थे निसंतान थे, पा गए तो किए क्या कि डॉक्टर साहब ले गदलवा कि रोई रोई ना। पाल पोस का डॉक्टर साहब बड़ा किए, लड़का जो है राजेश एक अच्छा डॉक्टर हो जाता है। एक भाई डकैतों का सरदार, एक भाई अच्छा डॉक्टर। अरे माँ बुढ़िया अपने बेटी चंपा को लेकर अनाथ होकर और रो रही है। 10-15 रोज घूमकर बच्चों का पता लगाई, जब बच्चे नहीं मिले तो माँ की हालत क्या है बाबूजी, तेरी भाव हो। अरे राम की दामन में फूल बसंती खिल गए, अरे दामन में फूल बसंती खिल गए, चांद की धवल चांदनी चमक उठी आंगन में, अरे पुत्र शोक में बुढ़िया चंपा जवान बेटी भैली कैसे हुई है बेहा पार, अरे भिखिया मांगत लाल है रईले रोवेले आंसू के गार, आखिर दर्जे बुढ़िया माई भिखिया मांग ही द्वारे द्वार, भिखिया मांग है द्वार, भिखिया मांग है द्वार।
तो माँ अपने बेटी के साथ अपना घर छोड़ देती है, लगती है भिक्षा मांगनी। सोची कि अगर इसी गांव के बगल में जमींदार साहब के यहाँ चलूंगी, अर्जी सुनाऊंगी, हो सकता है जमींदार साहब गरीब पर निगाह न फेरे। अरे सबसे पहले बूढ़ी माँ बेटी को लेकर जमींदार के दरवाजे पर जाती है। यहाँ चंपा का सुंदरता का रहल तर्ज भई हो कि ए गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल की। गाना का भाव हो कि चंपा जवानी आई, अरे चंपा जवानी आई खिले अनार पे। भवरा मचलने लागा कली कचनार पे। भिक्षा के वास्ते निकली बूढ़ी जा के संग वो, देखा अनार जब की चंपा का रंग वो, बोला अनार दे दो अनमोल हार पे। अब भवरा मचलने लागा कली कचनार पे। अनार सिंह शराबी टाइप का आदमी था, दरवाजे पर से देख रहा है कि एक बुढ़िया जवान बेटी के साथ चली आ रही है, क्या बात है। बूढ़ी माँ पहुंचकर हाथ जोड़ती है कि सरकार मैं बहुत गरीब हूँ, गरीबों पर रहम तो कीजिए। जमींदार साहब शराब के नशा में चूर नियत खोटी हो गई, कहे बुढ़िया तू भिक्षा क्यों मांग रही हो, क्यों घूम रही हो। अरे 10-20 हजार रुपया ले ले, हार ले ले, लेकिन बुढ़िया चंपा की जवानी को मेरे हवाले सौंप दी। बाबू सोचने वाली बात कि आज बेचारी दुखदाई रोने के लिए वहां गई थी, लेकिन जमींदार साहब जब ऐसा वर्ड कहे हैं तो बूढ़ी माँ की आंख से आंसू कह रही है। बोली है बुढ़िया ऐसा न करो सरकार है, गरीबों की इज्जत से ना करो खिलवाड़ है। अरे सरकार, इंसान गरीब हो या अमीर, इज्जत सबको एक समान हो ले। इज्जत की तुलना क्या पैसे से होती। जमींदार बोले कि बुढ़िया जवान संभाल कर बोल, मैं जमींदार हूँ, इलाके का मालिक हूँ, जो चाहूंगा वो करूंगा। अगर आज बात को नहीं मानोगी तो मैं करूंगा क्या। आऊंगा बुढ़िया कल मैं शाम तेरे द्वार पे। अरे भवरा मचलने लागा कली कचनार पे। हम उतरे दरवाजे पर आऊंगा और चंपा की इज्जत को जबरी बिगाड़ूंगा, चंपा के जवानी को मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। चंपा कहती कि माँ अरे तो भिक्षा मांगने कहाँ आई हो, चल मामा हम लोग मर जाऊंगी कबूल है, लेकिन ऐसा भिक्षा ऐसा दरवाजा कबूल नहीं है। चंपा अपने माँ को लेकर जाती है गांव के बाहर। बाबूजी एक सुना स्थान में रो रो कर चंपा अपने माँ से यही बात कह रही है। दुलाई सोरठी ब्रिजाभार हो कि झूना की सरंगिया जगिया रूना झुन बजाऊ ले मोरला, रूना झुन बजाऊ ले हो झूमत झमत जगिया जालन हो। राम राम हो रोई रोई चंपा कहे माता जी से बतिया मोरला, माता जी से बतिया हो आज हो तब पीता मोर जहानवा हो। राम राम हो आज हो तब पीता मोर जहानवा हो। आज हो तब पीता मोर जहानवा। अरे माँ अगर आज मेरे पिता गोपाल होते, अगर आज मेरे पिता गोपाल होते तो पापी अनार कैसे वादा करके लौटे मोरला, वादा करके लौटे हो जो की हो तो दोनों मोर बिरानवा हो। राम राम हो आज मेरे पिता होते या दोनों भैया होते तो क्या अनार सिंह वादा करके मेरे दरवाजे पर आ सकते थे। माँ संजोग वाली बात बाबूजी कि रहिया में राजू डाकू सुनत रहल बतिया मोर राम, सुनत रहल बतिया हो पूछे दा बताई कुल करानवा हो। राम राम हो अरे कहीं से राजू डकैत अकेला चला आ रहा था,
सोचा कि सुना स्थान में कौन लड़की रो रही है। जाकर लगा पूछने की, बहन क्यों रो रही हो, माँ क्यों रो रही हो? तो पहचानता नहीं है, न माँ और बेटी ही पहचानती कि मेरा लाल यही है, खोया हुआ लाल यही है। अनजाने बाबूजी बात हो रहा हो, बुढ़िया जन हो राजू से रो रो के बता रहा हो दुलाइन विदेशिया करुण स्वभाव हो कि रोई रोई बुढ़िया बोली राजू से बचानिया हो, चंपा बेटी के लूटे इज्जतिया हो। मवादा कैले अनारस सिंह पपिया हो, रही रही फाटे मोर छतिया रे ललना। तब तक राजू कहता है कि माँ माँ अगर तेरा लाल खो गया है, अगर तेरे पति मर गए हो, तो आज से मुझे धर्म का लाल मान ले, धर्म का बेटा मान ले। माँ अगर इलाके का जमींदार वादा किया है चंपा की इज्जत को बिगाड़ने के लिए, तो माँ एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। राजू कहा है बूढ़ी माँ से कि सुना सुना हमारी धर्म के मतरिया होना, माता अब हम जाने ना कोई खबरिया होना। अगर इलाके का जमींदार अनार सिंह वादा किया है चंपा के इज्जत को बिगाड़ने के लिए, तो मैं भी वादा करता हूँ कि चंपा भर के इज्जत को जरूर बचाऊंगा मां। लेकिन एक काम करना कि मेरे विषय में किसी से मत बताना, कोई गांव का आदमी न जाने पावे। माता बेटी आईली बाबू अपने बखरिया होना, और इधर राजू जो है वक्त का पहाड़िया होना। बाबूजी उधर माँ और बेटी घर आई, लेकिन हाथ में रिवाल्वर लेकर धर्म का बेटा राजू इंतजार कर रहा है। तब तक दूसरे दिन अपने ठीक समय से अनार सिंह एक हाथ में चाकू एक हाथ में शराब का बोतल एक नौकर के साथ पहुंच जाते हैं। बुढ़िया माँ देख रही है कि जमींदार साहब तो वादा पर आ रहे हैं, दूल्हे से पांव पकड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि सरकार अब से लौट जाए। लेकिन जमींदार बोले कि ये नौकर बुढ़िया के हाथ पांव को बांध कर उधर ठेल दे। बुढ़िया माँ उधर हाथ पांव बधा है, रो रही है। तब तक पहुंचते हैं चंपा के पास, जहाँ की झोपड़ी में खड़ी होकर चंपा गैया की तरह गिड़गिड़ा रही थी कि भगवान आज मेरी इज्जत लूटी जाएगी। अनार सिंह बोले, चंपा अरे ले जरा शराब तो पिला दे, डर के मारे बेचारी शराब पिलाती है। कहते चंपा अपना धोती तो खोल दे। चंपा कहती कि सरकार शराब पिला दी लेकिन ऐसा काम न करे। कहते चंपा अगर बात नहीं मानोगी तो चाकू से जान मार दूंगा। बाबूजी जान का मोहब्बत सबके होला, डर के मारे बेचारी सारी खोल देती है, यहाँ तक कि जमींदार साहब ब्लाउज उतरवा देते हैं। कहते हैं चंपा अपना साया तो खोल दे। अरे साया कैसे खोले, जो ही चले चाकू से फाड़ने के लिए, तब तक अनाथ रूपी अनाथ द्रौपदी रूपी अवला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को पुकार रही है। तर्ज हो अरे चादर बिछा बलमा, चादर बिछा बलमा, चादरिया चादर बिछा बलमा, कलयुग में अबला का पुकार सुनने वाला कोई नहीं है भगवान। रोती द्रौपदी याद में तेरे आजा कन्हैया ना,
कह कर रो रही, लेकिन वहां कोई नहीं। तब तक भाव बड़ा बेजोड़ मिल गया। अरे फूट फूट के अबला करा रुदा नवा चंपा रोवेली। जो ही गद्दार चला है बलात्कार करने के लिए, तब तक आता है कौन? अरे फूट फूट के अबला करा रुदा नवा चंपा रोवेली, और तबले राजू आ गई ले बिरहा नवा चंपा करके हाथ में रिवाल्वर। राजू भैया तैनात हो जाता है, पहुंच जाता है, कहता है गद्दार जमींदार कान खोल कर सुन ले, कह नीचे गरीबों की इज्जत से करता तू खिलवाड़ रहो, और कहीं के तुरता गोली मारा भैसीना के पार हो। पैसा देकर हार देकर बहन के जवानी को मांग रहा था गद्दार, ले आज तेरे हार का कीमत मैं सुकाता हूँ। तार तार दो गोली मारा, मम्मा गिर के लगना थुथुर गड़े जमीनी पर। अब हार का पैसा का नाम ना लेते हुए मर जाता है गद्दार। वहीं पर राजू अपना परिचय बताया है कि माँ तेरा सगा बेटा मैं हूं, मेरा ही नाम राजू है। वहां परिचय बताया है गोली मारकर, कह रहा है अरे हल्ला सुन सब घेर लिए तै छनावा चंपा रोवेली, अरे बोला राजू माँ कधई चरनावा चंपा रोवेली, चलो हमारे संग में माँ नहीं लई है सब पर नवा हो, और तीनों मूर्ति साथ में चल भे पीछा किए किस नवा हो। माँ और बहन को लेकर राजू प्रेमियों गांव के बाहर जो ही निकला, गांव के आदमी गलत आदमी समझ कर पीछा किए, लेकिन जवान के हाथ में रिवाल्वर किया क्या, अरे गोली चला के वापस किया जवनवा चंपा रोवेली, लेकिन ठोकर खा के राजू गिरा शिवनवा चंपा। जब मुसीबत आवेले बाबूजी तो हर एक प्रकार से आवेली, हवाई फायरिंग करके गांव वालों को वापस लौटा दिया, लेकिन गांव के बहुत दूर जाने के बाद राजू एकाएक ठोकर खाकर गिर जाता है। दुलाइन गमगीन आधा का भाव है। बेचारे के खूटी धस जाती है, दुपट्टा बांध कर कुछ ही दूर पर अमृतसर हॉस्पिटल था, उसी पहुंचा हॉस्पिटल में, लेकिन संजोग वाली बात कि वहां क्या हुआ कि वही अस्पताल में राजेश डॉक्टर रहल है। राजेश कुमार क्रांति राजेश सबसे बड़ा सिविल सर्जन हो चुका था। अरे वही अस्पताल में राजेश डॉक्टर रहल है, कैसे देखो बुढ़िया से बोले उस बार करब इलाज लागे 6,000 रुपया, सुन के बचन बुढ़िया रोवया सुकार। पुरस्कार है दूर के आनंद, बोला कि इलाज तो करूंगा लेकिन 6,000 रुपया लगेगा। वहां तो बुढ़िया के पास कौड़ी मोहाल थी, अगर 6,000 रुपया हुआ होता तो शायद बुढ़िया अपने बेटी की शादी कर दी होती। कहती सरकार मैं गरीब हूँ, रहम कीजिए, दया कीजिए, लेकिन ठोकर मार कर डॉक्टर साहब ग्राउंड के बाहर निकाल देते हैं। तब तक राजेश जब निकाले तो राजू की आंख में पट्टी, राजू से बर्दाश्त ना हो सका, वो कह रहा है कि बिलख बचनिया राजू बोला डॉक्टर से कि जे इलाज पैसा दूंगा सरकार। कभी इंसान के ऊपर दुख कभी सुख, आप ऐसा न करें, आप इलाज कीजिए, अगर पैसा नहीं दूंगा तो मैं आपके घर खटकर आपका पैसा पूरा करूंगा। तब तक बूढ़ी माँ का कलेजा बिहर जाता है, बर्दाश्त न हो सका प्रेमियों, रो रो कर बीती हुई बात बूढ़ी माँ डॉक्टर के सामने पेश करती है। बिलख बचनिया बुढ़िया बोली डॉक्टर से पति जो गोपाल गईला स्वर्गवासी धाम।
बेटी संघवा में बन के पतवार। अरे धर्म के लड़नवा मोर इज्जतिया बचल कही के बचल बुढ़िया रोवया सुगार। पूरा बात बतौले से जब डॉक्टर साहब के बात याद आयल कि मेरे ही पिता का नाम गोपाल था, माँ का नाम गौरी था, बहन का नाम चंपा और हम दो भाई राजू राजेश थे, तो पिताजी तो मर ही गए हैं, हो सकता है कि मेरी माँ और बहन भाई यही तीनों हो। बात याद आई है प्रेमियों, कुर्सी छोड़कर डॉक्टर साहब खड़ा हो जाते हैं। अरे भाई को गले से गले लगाकर प्रेम का आंसू बहाते हैं। अरे बचपन का बतिया हो याद हो गई और राजू राजेश समय की पूजा गाने का आखिरी भाव आए हैं। अरे सुख की सरिता बह गई धर्म के बिराना और रोवे माँ के धाई चारा नवा करम के लिखना। क्या इलाज राजेश राजू को माता नैन पसारी। अरे चंपा राखी बांधी भैया को खिल गईली फुलवारी। देव राखी के मंगा नवा करम के लिखना। माँ का प्यार बेटे को मिलता मिल गई बहन की राखी। सुख की सरिता सुलग हुई इतिहास समीक्षा साक्षी। आए सुख वाला दिन नवा करम के लिखना। बरसाती जी अनुरागी कवि के शौक है पत्तू का